तो देखो ये प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग करें कि एक ब्लॉक 5 kg रेस्ट ऑन ए टेबल, ये टेबल है और टेबल पे एक ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में है और इसका मास जो है वो 5 kg है। तो अगर मास 5 kg है रब सर्वे, अगर इस पे जो मैं फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगाता हूँ और वो जो फोर्स है वो 30 न्यूटन का फोर्स है, दिस इज़ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, और ये ए पॉइंट पे लग रहा है और ये हर पॉइंट पे लगते जा रहा, हमेशा ये फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, हमेशा यहाँ पे लग रहा है, ये 30 न्यूटन का हमेशा लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। पर ब्लॉक स्लाइड डिस्टेंस 50 मीटर, तो ब्लॉक जो है वो 50 मीटर यहाँ से चलता है। चलो मान लेते हैं दिस डिस्टेंस इज 50 मीटर, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, तो जो 50 मीटर चलता है और टाइम यहाँ पे समय 0 था, टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम कितना आ गया, तो यहाँ पे टाइम आ गया 10 सेकेंड। तो अगर यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड आ चुका है ये वाला, तो ये इफ द कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू के, तो कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अगर मुझे निकालना हो म्यू के, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बी पॉइंट पर अगर तुम देखोगे तो बी पॉइंट पे इस बॉडी पर तो एक तो एक्सटर्नल फोर्स ये लग रहा है और एक इधर फ्रिक्शन लगेगा और ये जा रहा है इधर ए एक्सलेशन से, ठीक है, एक्सलेट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, मास ऑफ द बॉडी एक्सलेशन है, एक्सटर्नल फोर्स है 30 न्यूटन, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी म्यू एन और ये आ जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये आ जाएगा 30 माइनस म्यू, म्यू नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू एम जी के बराबर होगा यहाँ सरफेस पे, तो ये आ जाएगा एम ए। अगर मुझे म्यू चाहिए तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ क्योंकि मास दिया हुआ है यहाँ 5 kg, तो म्यू चाहिए तो मुझे ए निकालना पड़ेगा, तो ए निकालने के लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया है उसका यूज कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं ए टू सी के लिए। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 50 मीटर, इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ एक्सलेशन चाहिए, टाइम बीत गया 10, तो 100 स्क्वायर दैट इज 50, 50 इज इक्वल टू 1, तो एक्सलेशन ए की वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सलेशन। पुट कर दो इसको इन टू फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो ये आ जाएगा 30 माइनस म्यू, मास की वैल्यू 5 kg, जी की वैल्यू 10 रख दो और 5 और ये आ जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 30 माइनस 50 म्यू इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 50 म्यू, हमें म्यू चाहिए मतलब 25/50 दैट इज द म्यू, मतलब म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.5, तो 0.50 दैट इज, ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। तो आई होप कि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ प्यारे बच्चों, और बहुत सारे बच्चे कमेंट में लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, क्योंकि हम अकेले बच्चों हार्ड वर्क करते हैं और इस हार्ड वर्क में बस आपका प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, बाकी जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखो, अपना कर्म करते रहो ईमानदारी से, नथिंग एल्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।